Hello dear children, how are you all? Today we are going to do a new lesson in our EVS subject. Looking around, the lesson is foods we eat. Yani hum jo khana khate hai, alag alag tarah ka khana hum khate. Roj hum khali roti, sabji, dal, chawal ek hi jaisa nahi khate, hum alag alag bhi khate hai. Now we are starting the lesson on page number 38. Last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. Jaggery यानी गुड़. आपको भी गुड़ पसंद है ना? तो ये जो लड़का है वो बोल रहा है कि मैंने कल रात को चपाती खाई बाजरे की, यानी हम जिसको रोटला बोलते हैं ना वो, ओके, और गुड़ के साथ खाई. दिस गर्ल इन द ऑरेंज ड्रेस शी इज टेलिंग आई कुक दाल एंड राइस. मैंने कल दाल चावल बनाए थे. This girl in brown dress, yesterday no food was cooked in my house. ये लड़की बोलती है कल तो मेरे घर में कुछ भी खाना नहीं था. Then this boy, he is a Sikh, सरदार जी बोलते हैं ना, तो I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. ये बोलता है मैं तो कल गुरुद्वारा गया था मेरी दादी के साथ और वहाँ पे मैंने लंगर में खाना खाया. लंगर यानी वहाँ खाना सबको खिलाते हैं ऐसा होता है. उसने से बोला मैंने दाल चपाती खाए. देन दिस गर्ल इज टेलिंग अम्मी हैड कुक खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एंड चिल्ला इंस्टेड. ये लड़की बोलती है देखो उसके पैर भी, एक पैर में प्रॉब्लम है ना, बोलती है कल मम्मी ने तो घर में खीर पूरी बनाई थी पर मुझे पसंद नहीं है तो मैंने तो चिल्ला खाया. ओके, तो माई मदर, दिस गर्ल इज टेलिंग माई मदर कुक इडली आई एट लॉट्स ऑफ इट आई इट वॉज रियली टेस्टी. मेरी मम्मी ने इडली बनाई, मुझे इडली बहुत पसंद है, मैंने बहुत खाई. एंड दिस बॉय इज टेलिंग माई मदर ब्रॉट दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स वी एन्जॉयड ईटिंग इट. मेरी मम्मी जहाँ काम करती है वहाँ से वो दाबेली लाई थी और हमने दाबेली खाई. सी चिल्ड्रन, ये सारे बच्चे अलग अलग फैमिलीज से आते हैं. कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, मोस्टली बेचार किसी के पास खाने को नहीं है, ऐसा सब है. सो दे आर ऑल शेयरिंग देयर थॉट्स, साथ में बैठ के सब बता रहे कि क्या खाया, कैसे खाया वगैरह. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, वी आर कमिंग टू विपुल्स फैमिली. विपुल करके एक लड़का है, उसके फैमिली की बात चल रही है. देर आर फोर मेम्बर्स इन विपुल्स फैमिली. विपुल को गिन के देर आर सम मेम्बर्स who do not eat what Vipul eats. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? Why should this happen? Vipul के घर में चार members हैं और Vipul जो खाता है घर के दूसरे member वो नहीं खाते हैं या खा नहीं सकते, वो क्यों वो हम देखेंगे. Now let us read about Vipul's family. While returning from home from school, Vipul bought a bhutta, जो मक्का हम बोलते हैं ना, सेका हुआ भुट्टा. तो corn on the cob, he reached home and asked his mother, where is Munni? I want to see her. His mother replied, Munni is in the room upstairs. Vipul caught his grandmother's hand and said, you also come upstairs with me. His mother stopped him. I have soaked Bas chapati in dal. Let her first have her meal. Have you put sugar in the dal? Said Dadi to Vipul's mother. I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. When I was of your age, I could run up the hill in the same time, said Dadi. Now Vipul gave the bhutta he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little Munni. Suddenly, Munni started crying. She is hungry, said mommy. She sat down to फिर मुन्नी. अभी क्या होता है कि एक दिन विपुल स्कूल से आते हैं, भुट्टा लेके आता है, वो घर आता है, फिर मम्मी को पूछता है कि मम्मी मुन्नी कहाँ है, मुझे उसे देखना है. तो उसने लड़के ने मम्मी ने बोला कि मुन्नी तो ऊपर है. तो विपुल अपनी दादी का हाथ पकड़ के चलो जल्दी हम ऊपर चलते हैं, ऐसा खींचने लगा. तो मम्मी ने बोला नहीं, मैंने दादी के लिए दाल में रोटी भिगो के रखी है, दादी को पहले खाना खा लेने दे. तो दाल में रोटी भिगोते हैं क्यों, क्योंकि दादी एज वाली है और वो हार्ड खाना नहीं खा सकती. तो दाल
में रोटी भिगो देते तो वो सॉफ्ट हो जाती है, तो दादी खा सकती हैं। तो मम्मी ने बोला पहले उनको खाना खा लेने दे। तो दादी ने पूछा तूने मम्मी को कि दाल में चीनी डाली है ना? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ मैंने दाल टेस्ट कर ली है, बराबर बनी है। विपुल की मम्मी ने ऐसे बोला। विपुल ने अपनी दादी की प्लेट उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया और बोला कि दादी तुम भी मेरे पीछे पीछे। तो उसकी दादी ने बोला जब मैं तेरे जितनी थी तो मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाती थी फटाफट। फिर विपुल ने भुट्टा अपनी मामी को पकड़ने के लिए दिया, हाथ धोए और मुन्नी को उठाया, हाथ गोद में लिया। तो मुन्नी रोने लगी तो उसकी मामी ने बोला उसको भूख लगी ला उसको मेरे पास दे दे। ओके सो उसने उसको वापिस दे दिया। नाउ हियर यू कैन सी मोस्ट ऑफ अवर फूड इज मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन वॉट ग्रोस इजीली एट विच प्लेस। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह पे अलग अलग अनाज उगते हैं वगैरह, तो जिस एरिया में जो ज़्यादा उगता है वो उस एरिया में उसका यूज़ ज़्यादा होता है। ओके ना वी नॉट ओनली डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ दैम सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। हम जो चीज़ खाते हैं उसी में से हम अलग अलग चीज़ें बनाना भी सीख लेते हैं। एक ही चीज़ में से जैसे चावल है, राइस है, उसको भिगो के उसमें से इडली बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। तो एक ही चीज़ में से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एक्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लेट अस टॉक अबाउट इट। सी हर एक जगह पे अलग अलग दाल उगती है, सब्जी या फ्रूट वगैरह अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है। तो जहाँ जो मिलता है, जहाँ जिसको जो पसंद है उस हिसाब से, किसी को कुछ पसंद है किसी को नहीं, तो उस हिसाब से सबका खाना पीना होता है। नाउ हियर यू कैन सी लेट अस नो व्हाट पीपल लाइक टू ईट। नाउ हियर यू कैन सी दिस गर्ल्स नेम इज हैंसी। आई लिव इन वलसाड। My mother and I both love to eat umbadiu. Whenever we feel like eating it, we go to our farmhouse and eat umbadiu like undiu. अभी ये लड़की हैंसी है इसका नाम है और ये वलसाड में रहती है और ये बोलती है कि मैं और मम्मी मेरी मम्मी को उम्बाड़ियू बहुत पसंद है। उम्बाड़ियू एक ऐसा डिश है जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स को उंधियू के जैसे ही मिक्स करके बनाया जाता है। तो वो बोलती है जब हमें उम्बाड़ियू खाने का मन होता है तो हम हमारे फार्म हाउस जाते हैं। फार्म हाउस में बहुत सारे वेजिटेबल्स उगते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले जाते हैं और वहाँ हम जाके उम्बाड़ियू जो उंधियू के जैसा लगता है वो खाते हैं। नाउ सी दिस गर्ल इज जूनी। आई लिव इन कश्मीर। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। वंस वी हैड गॉन टू गोवा वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। माई मदर सेड दैट इट वॉज अ सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। तो ये बोलती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे फिश जो राई सरसों के तेल में बनता है वो बहुत अच्छा लगता है, पर हम मैं और मेरी मम्मी एक बार गोवा गए थे तो वहाँ पर भी हमने फिश खाई थी। तो मम्मी ने बताया कि लेकिन वो फिश और हमारे जो घर पर बनता है उसमें बहुत टेस्ट में फ़र्क था। तो मेरी मम्मी ने बताया कि ये सी फिश है और ये कोकोनट ऑयल में बनाई जाती है इसलिए इसका टेस्ट अलग होता है। नाउ सी दिस बॉय इज थॉमस। आई लिव इन केरला। आई रियली लाइक टू ईट टू आइटम्स बोथ ग्रो इन अवर कोर्ट यार्ड। वन ग्रोज ऑन ए टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका विथ एनी करी यू मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। तो ये लड़का केरला में रहता है और ये बोलता है कि मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद हैं जो हमारे कोर्टयार्ड में, अरे हमारे आंगन में ही होता है। एक टॉल ट्री पे होता है यानी कि जो कोकोनट, और दूसरा है ज़मीन के नीचे उगता है यानी ये टैपियोका। वो टैपियोका एक टाइप का रूट वेजिटेबल है जिससे अलग अलग चीज़ बना के खाई जा सकती है और उसको करी के साथ उसको अच्छा लगता है कोकोनट ऑयल डाल के, और कोकोनट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और वो बोलता है वो तो टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। सो सी चिल्ड्रन वी शुड ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड। हमें अलग अलग फूड खाने चाहिए क्योंकि हर एक फूड का अलग वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का खाना आप रोज ही खाते रहो,
लेकिन आप अलग अलग लोगे तो आपके बॉडी को बैलेंस डाइट मिलेगा और यू विल बी स्ट्रांग एंड हेल्दी। बट इफ़ यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे, रोज एक ही टाइप का खाओगे तो आपके बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो बॉडी में कोई कोई विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाएगी। सो देन यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड टेक सम टैबलेट। इंस्टेड ऑफ दैट हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जो सब खा सकते हैं और खाना भी चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो चिल्ड्रन प्लीज़ लर्न टू ईट ऑल द थिंग्स, ओके।